चौधरी छोटू राम ने तीन बात कही थी, तुम दो बताओ तीसरी नहीं बताते। देवव्रत जी गुजरात में रहने लग गए, हरियाणा में होते तो उनको पता होता। चौधरी छोटू राम ने तीन बात कही थी, तुम दो बताओ तीसरी नहीं बताते। हैरानी की बात है, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, हमारे ऊपर गोलियां चलाई जाती है। बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही, थोड़ा ध्यान करो, देखो सारी चीज आगे ते नहीं चलती, वो आगे का जमाना गया। चौधरी छोटू राम ने तीन बात कही थी, तुम दो बताओ तीसरी नहीं बताते। उन्होंने तीन बात कही थी कि एक तो किसान तू बोलना सीख ले, और एक अपने दुश्मन और मित्र की पहचान सीख ले, और तीसरा उसने कहा था सत्ता के साथ लाग के फायदा उठाना भी सीख ले। ये बात है आज करने की। तुमने क्या कराया, देश आजाद होया, उसमें हमारे ये सारे बड़े बुजुर्गों ने बलिदान दिए, कितना बड़ा योगदान दिया। देश आजाद होते जिनके हाथ में सत्ता ही, उन गेल खूंडा बजाया। ईब जिनके हाथ में ईब गेल, उन गेल खूंटा बजा रहे हो। मैं यूं पूछूं, जीने का तरीका कौन सा है? बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही, थोड़ा ध्यान करो, देखो सारी चीज आगे ते नहीं चलती, वो आगे का जमाना गया। किसी महापुरुषों ने लिखा है, भाई जीने के दो तरीके हैं, या तो किसी ने अपना बना लो, और या किसी के खुद बन जाओ। समझ में आई कि नहीं बात? या तो किसी ने अपना बना लो, और या किसी के बन जाओ। ना तो दूसरा अपना बनाया और ना हम किसी के बने, तो फिर धक्के खाते फिरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। ये जो छोटे मोटे इधर उधर की बात करना, रोज ठाउर खुंटा बजाओ, आज अकल तक काम सीखो। ये जो विदेश में बैठे ना हमारे, दुनिया से आ रहे, इनकी सोच पकड़ो, जो रास्ता इन्होंने लिया उस रास्ते पर चलो। ये है लोग जिन्होंने देश से बाहर जाकर दूसरी दुनिया को भी अपना बना दिया, दूसरों को भी अपना बना लिया। और ऐसे हमारा कई तो वहां सत्ता में बैठ गए अपने देश के लोग जाकर के। तुम अपने देश में नहीं काबू कर पा रहे काम, इसका तरीका है बुद्धि से चलो। ये खुंडा बजाने का जमाना नहीं है। अब तो एक बोदास आदमी एक एक संताली लेकर देश ने उथला दे, वो जमाने गए। आज हमारे सामने देवव्रत जी अभी एक बात कह करके गए थे कि चौधरी छोटू राम ने दो नहीं तीन बातें कही थी। एक तो चौधरी छोटू राम ने कहा था कि ये भोले किसान तू बोलना सीख ले, और दूसरा उन्होंने कहा था कि अपने दुश्मन को पहचान ले। तीसरा उन्होंने ये भी जोड़ दिया साथ में कि अब जाट कम्युनिटी को जो है विरोध करने की बजाय सरकार में कैसे हिस्सा हो उसके लिए सरकार के साथ जुड़ना सीख ले। उनका इशारा सीधा सीधा था कि मौजूदा जो सरकार है देश में या प्रदेश में, हमें उसके साथ चलना चाहिए। देवव्रत जी गुजरात में रहने लग गए, हरियाणा में होते तो उनको पता होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अब तो चले गए, मेरी बड़ी इच्छा थी कि वो बैठे होते और मैं उनके सामने सारी बातें कहता। हैरानी की बात है, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, हमारे ऊपर गोलियां चलाई जाती है। हमें चाहे कोई भी आंदोलन हो, अगर हम उस आंदोलन का हिस्सा होते हैं, यहां पे जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस किसान आंदोलन के अंदर भी हमारी सरकार में हमारे मुख्यमंत्री ने यहां तक भी कहा था कि किसान आंदोलन नहीं है, ये जाट आंदोलन है। हमें तो उसमें भी अलग थलग करने की कोशिश करी गई, हमें अलग थलग करने की कोशिश की जाती है, और हमें ये सिखाने की भी कोशिश की जा रही है कि हमें इस सरकार के साथ चलना चाहिए। हमें तो ये सीखना चाहिए अब कि हमारी अपनी सरकार कैसे बने। हम 30% है, हम किसी के पीछे नहीं लगना चाहते, कोई हमारे पीछे लगे